देश भर में गोकास्ट निर्माणता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना विदिशा पहुंचे। होली के त्योहार में हरे भरे और लकड़ियों को जलाने की बजाय गोकास्ट का उपयोग करने की दी सलाह। सड़कों के किनारे पीपल का पेड़ लगाए जाने को लेकर भी प्रेरित किया। विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय नरेंद्र ताम्रकार स्मृति भवन में आयोजित हुई संगोष्ठी। वो यहाँ पे जो स्लग बना वो सेटल हो जाता है नीचे, तो एचटीपीईटी में क्या होता है, क्लेरिफायर होता है। ये क्लेरिफायर भी नदियों से आया हुआ है, नदियों ने ही एचटीपी। ईश्वर की प्रेरणा से मेरे मन में आया कि हमको बोलना नहीं है कुछ करना, तो मैं कोई नदी को ढूंढ रहा था कि जहाँ पे नदी रह रही हो। पलक मंदिर आपने सुना होगा, तो मेरे में जाते हैं स्लग, स्लग ना स्लग, काला काला स्लग निकलता है। तो ये क्या होता है, इसके बाद आप देखते होंगे नदी है ना, जैसे जैसे खाई उसके बाद नदी को सही लगा। आप समझ रहे मेरी बात, आप देखिए ना, आप हमारे मेरे मम्मी पापा मेरे दादाजी होते थे बेटे, बहता हुआ पानी कभी भी पियो कोई दिक्कत नहीं। सोचो आप डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना वैज्ञानिक हूँ और गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोग मुझे बोलते हैं, और गोकास्ट के लिए मैं जन चेतना पूरे देश भर में फैलाने का काम कर रहा हूँ। और आज जो मैं विदिशा में आया हूँ, मेरा विदिशा की जनता से और मध्यप्रदेश और पूरे देश की जनता से एक विशेष अनुरोध है कि जिस तरीके से गाय के गोबर की गुलेरी से हम होलिका दहन करते थे, और अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गाय के गोबर से बनी हुई गोकास्ट से होली का दहन करना है, और हमको गो माता के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों और जंगलों को बचाने के लिए हमको एक कदम आगे बढ़ना है। मतलब इन सबको बचाना है, गो माता को बचाने को कोई प्रयास नहीं करेगा। मैंने इसलिए बोला ना, गो माता पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करे, इसलिए मैंने ये वाली बात बोली गो माता। जिसे आपने बताया कि हर चौराहे पर पीपल का पेड़ लगाने से क्या होता है? देखिए पीपल क्या है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, आप समझिए। और जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पे जो एयर क्वालिटी होती है वो काफी खराब रहती है, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के पेड़ों को लगा के हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी को और AQI को बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं।